तो संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं और ये आसार अब तस्वीरों के जरिए सामने भी आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद ये विरोध प्रदर्शन संसद परिसर में कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का प्रदर्शन महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम सांसद जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इस होने वाले इस प्रदर्शन में शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास और हाथों में तख्तियां लेकर के नारेबाजी के माध्यम से आज मानसून सत्र के दूसरे दिन ये प्रदर्शन की तस्वीरें। जीएसटी को लेकर भी मुखर होता हुआ विपक्ष। महंगाई का मुद्दा है, जीएसटी नहीं चलेगा, गब्बर सिंह स्ट्राइक्स अगेन। देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रहा है और जीएसटी मुख्य तौर पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ और मतदान जो नारेबाजी है उसमें प्रदर्शनों के दौरान भी जीएसटी नहीं चलेगी पैकेज्ड फूड पर, क्योंकि अब जीएसटी लागू है 5%। सोमवार से शुरू हो चुका है महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार, सुबह ही जानकारी आपको देखिए और ये इसकी शुरुआत इस प्रदर्शन के साथ संसद परिसर के बाहर, संसद परिसर के अंदर माफ कीजिएगा, ये प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसद विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहे हैं। दूसरा दिन है आज मानसून सत्र का और अब लगता है ये प्रदर्शन की जो तस्वीरें अब सामने आई है, जब सदन में जाएंगे और कार्यवाही सदन की शुरू होगी तब भी हंगामे के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुखर है विपक्ष। महंगाई का हुआ जुड़ा हुआ मुद्दा और जीएसटी हाल ही में जो लागू की गई है पैकेज्ड फूड पर 5% जीएसटी, उसको लेकर महंगाई के साथ में अन्य समस्याएं भी रहेगी। लेकिन आज दूसरा दिन है और देखिए तस्वीरों में आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी आपको साथ ही तस्वीरों में नजर आ रही है, तमाम सांसद हैं जो कि विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं नारेबाजी के माध्यम से, हाथों में तख्तियां लेकर गब्बर सिंह स्ट्राइक्स बैक। ये वही शब्द जो कि राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट के जरिए इस महंगाई को लेकर के किए। इसके लिए और पूरे पार्टियां जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक हुए हैं। कल हमने मैसेज दिया था, बहुत से सारे अपोजिशन नेता भी यहाँ पर है और वो उन्होंने माना कि ऐसे जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अदिति, दूसरा दिन है आज संसद के मासूम सत्र का, लेकिन शुरुआत अब इस प्रदर्शन के बाद और भी ज्यादा हंगामेदार नजर आ रही है। आसार जो बन रहे थे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज का दिन हंगामेदार, क्योंकि अभी से प्रदर्शन की जो श्रृंखला है वो विपक्ष के द्वारा शुरू हो गई है परिसर में। क्या जानकारी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तमाम नजारे को देखने के बाद अब सरकार के बीच में ये चुनौती आ गई है कि संसद सत्र को चलाना और सरकार की रणनीति को तय करना होगा। इसी को लेकर ये प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि शीर्ष जो मंत्री हैं सरकार के उनसे मुलाकात करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल भी उसमें एक है जिनसे वो मुलाकात करके संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा आपने बात की राहुल गांधी के ट्वीट और तमाम चीजों को लेकर नजारे हम देख रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, घमासान उम्मीद की जा रही थी सत्र शुरू होने से पहले ही और ये घमासान के आसार थे और साफ नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल जीएसटी में वृद्धि, अग्निपथ योजना के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के सांसदों ने जीएसटी, महंगाई के अलावा अग्निपथ योजना तमाम मुद्दों पर नोटिस भी दिया था
चर्चा को लेकर। सदन की कार्रवाई से पहले ही विपक्षी नेता संसद के बाहर प्रदर्शन किया, कल भी आपको यही तमाम चीजें देखने को मिली। संसद के मानसून सत्र दूसरा दिन है और चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे गांधी प्रतिमा के पास हो, राहुल गांधी भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का लगातार बयान आ रहा है और कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दल इसमें हावी होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस अपील कर रही है कि जितने भी दूसरे विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर साथ में जो इस प्रदर्शन को जोड़े। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना है, जीएसटी की वृद्धि है, इन तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करना चाहते थे। जब सर्वदलीय बैठक हुई तब भी इस मुद्दे पर कई सारी बात यहाँ पर रखी गई। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और आज दूसरा दिन है। पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ और नहीं चल पाई, उसके बाद स्थगित कर दिया गया था एक दिन के लिए। आज दूसरा दिन है, अब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में क्या कुछ होता है, क्योंकि कल दोनों को ही मंगलवार तक के लिए आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे, संसद के मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने शीर्ष मंत्रियों से मिलेंगे। इस दौरान संसद में सरकार की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि अगर जिस तरह का आगाज हुआ है संसद सत्र का उसको देखते हुए सरकार को अपनी एक रणनीति बनानी होगी। और ये चुनौती अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए भी है कि वो कैसे संसद के सत्र को चलाएंगे। आपने ठीक कहा, क्योंकि संसद के सत्र को सुचारू रखना भी, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल होते हैं, विधेयक होते हैं जो कि पटल तक तो आ जाते हैं संसद के, लेकिन पारित नहीं हो पाते इन्हीं हंगामेदार चीजों की वजह से। एक क्या लगता है कि अभी जो कार्यवाही शुरू हुई है राज्यसभा और लोकसभा में शुरू है कार्यवाही, तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं, आज सिर्फ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? या फिर आज जिस तरह से अभी संसद परिसर में नारेबाजी जारी है और एक तरीके का वॉकआउट ही समझ लीजिए जो कि अभी कर रहे हैं कांग्रेस, ये राहुल गांधी उनके तमाम सांसद उनके साथ में है। देखिए, इसमें एक ही चीज साफ नजर आती है, जिस तरह से हंगामा है संसद की कार्रवाई चलती नजर नहीं आ रही। पर आपने पिछले भी जितने भी सत्र रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमेशा प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, कितना प्रोडक्टिव रहा, कितने सांसद अपने मुद्दे उठा पाए, जीरो आवर में कितने क्वेश्चंस रेज किए गए, कितने जवाब मिले। ऐसे में एक चीज नजर आती है कि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो हो सकता है कि इधर प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों के साथ रणनीति बनाए, उधर लोकसभा स्पीकर विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनको अपने चेंबर में बुलाकर उनसे बातचीत करें, उनकी मंशा को समझें और उनसे ये अपील करें कि आप सदन चलने दें, हम आपको चर्चा का मौका देंगे। और वही लोकसभा स्पीकर सरकार के लोगों से भी बात करें कि विपक्ष ये चाहता है और इनको इस तरह का टाइम स्लॉट देना होगा। डायलॉग के बिना जो ये मसला है ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, विपक्ष के लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है संसद का जब भी सत्र चलता है कि जो संसद सत्र जब नहीं होता उस समय जब विपक्ष कहता है कि वो अपने आवाज अपना मुद्दा नहीं उठा पाते तो वो सत्र के दौरान जनता तक चैनल के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से ये जनता तक उठाते हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं और सरकार हमारी आवाज को दबा रही है। तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक तो है ही, लेकिन चुनौती है सत्र को चलाना। ऐसे में लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा के चेयरमैन हो, दोनों के पास ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो इसको सुचारू रूप से कैसे चलाए, क्योंकि सत्र चलाना, बिल पास करना, कितना चर्चा होती है, कितना प्रोडक्टिविटी होती है, ये जवाबदेही है जनता के सामने। ऐसे में लोकसभा स्पीकर से यही उम्मीद है कि अगर इस तरह से हंगामा रहा तो स्पीकर विपक्षी दलों के दूसरे दलों के सीनियर नेता को बुलाकर उनकी मांग पर चर्चा करेंगे। और आज से पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सदन में हंगामा हुआ और उसके बाद फिर लोकसभा और बिल्कुल अच्छे तरीके से भी। बड़ी खबर यह है कि हंगामा जब हुआ राज्यसभा में शुरू होते ही कार्यवाही, तो हंगामे के बीच 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। जैसा हम बात ही कर रहे थे, एक लंबा समय जैसे 11 बजे है, 2 बजे तक की कार्यवाही स्थगित रहेगी, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही कार्यवाही पर सदन की। तौर पे देखिए, शुरुआत में यही होता है कि सरकार की तरफ से ये प्रेशर होता है कि अगर आप लोग विपक्ष अगर जो राज्यसभा और लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं जो लोग उनकी तरफ से इस तरह का प्रेशर होता है कि हम ये इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई बार पहले भी इस तरह के इनडिसिप्लिन वेल में अगर कोई नेता आ जाता है या कोई जब अगर आसन पैरों पे है, अगर अध्यक्ष खड़े हुए हैं और फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती तो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो अब इस पूरे सिनेरियो में हो सकता है कई सांसदों पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो,
या एक बार प्रयास किया जाए कि कई विपक्षी नेताओं को बुलाकर उसको कहा जाए कि आप अपने पार्टी के सांसदों को समझाएं, हम आपको मौका देंगे चर्चा का। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है कि लोकसभा स्पीकर हो, राज्यसभा चेयरमैन हो या सरकार हो, वो क्या विपक्ष किसको चर्चा देने का मौका देगी। लेकिन दरअसल अगर केवल ये विपक्ष की तरफ से हो हंगामा करने का और संसद ना चलने देने का प्रयास है तो खेम कंसेंसस नहीं बनेगा। लेकिन देखिए तस्वीरें, देखिए लोकसभा में भी जब कार्यवाही जारी है, तस्वीरें जो सामने आ रही है लोकसभा स्पीकर के पास उनके चैम्बर के उनके चेयर के आसपास आकर भी तख्तियों के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर लिखा हुआ है गब्बर सिंह स्ट्राइक्स बैक, और ये तमाम तख्तियां लेकर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, और पहले भी आपको याद होगा कि पिछले सत्र में पूरे सत्र के लिए करीबन 7-8 सांसदों को इसकी वजह से सत्र से बाहर कर निलंबित किया गया था जी। और यही वजह है कि अगर इस तरह का व्यवहार चलता रहा तो ये देखिए लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो सरकार और विपक्ष और लोकसभा स्पीकर के बीच में कंसेंसस बनना चाहिए और एक जायज टाइम देना चाहिए। और अगर हम अंदर की बात करें और इस तरह के सवाल, तो लोकसभा स्पीकर हो या सरकार हो, ये मान रही है कि हम तो देना चाहते हैं, विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है। तो केवल इसका रास्ता लोकसभा स्पीकर के डायलॉग से ही निकलेगा, इसका रास्ता वही निकाल पाएंगे कि वो अपने चेंबर में बुलाएं और चर्चा का समय तय करें। और समय अगर 50 मिनट है या 1.5 घंटा है तो वो उतने में विपक्ष अपना मुद्दा रखें, क्योंकि कम से कम पुराने कितने लंबित बिल हैं और अब इस बार भी कितने लंबित विधेयक हैं जो इंट्रोड्यूस होने हैं इस एक महीने के अंदर 12 अगस्त तक। ऐसे में हम कितनी चर्चा कर सकते हैं, किस एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हैं, ये भी एक चुनौती होती है संसद के अंदर। तो तमाम चीजों में, और अगर डिसिप्लिनरी एक्शन, क्योंकि लोकसभा स्पीकर खुद भी इसको लेकर स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई बेल में आता है, कोई उस तरीके से बिहेव करता है जो नहीं है, असंसदीय है, तो उनको फिर संसद के बाहर होना होगा, चाहे फिर वो 10 दिन हो, 2 दिन हो, 24 घंटे हो या फिर पूरे सत्र के लिए। तो आज के दिन में और अगले 2 दिनों में अगर विपक्ष इसी तरीके से हंगामा करती रही तो आपको बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे। वहीं बीच में ये भी प्रयास होगा कि स्पीकर हो और केंद्र सरकार की तरफ से भी कि उनकी क्या एक अलग रणनीति होती है। तो अगले 24 से 48 घंटे अगर आज स्थगित कर दिया जाता है तो फिर कल के लिए एक रणनीति तैयार होगी, विपक्ष के नेताओं से बातचीत होगी, लेकिन अगले 24 घंटे में इस हंगामे को खत्म करने का प्रयास रहेगा स्पीकर की तरफ से, दोनों सदनों के चेयरमैन और स्पीकर की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ। अदिति देखिए अभी प्रदर्शन जारी है, विपक्ष का प्रदर्शन संसद परिसर में, और तमाम जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक अलग सवाल है इसको लेकर, आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना बाकी है। ऐसे में जब जो तस्वीरें भी सामने आ रही है, हम भी जब पढ़ रहे हैं, आप भी जब बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। क्या ये अब एक तरीके का नेतृत्व और ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है कि जो एक्टिवनेस राहुल गांधी की अब बड़ी है, और जैसे जैसे अब ये अध्यक्ष के चुनाव पास में आ रहे हैं, निर्णय होना है, किस और इशारा है इस चीज का, अगर इस तस्वीरों के माध्यम से समझा जाए तो? देखिए प्रदर्शन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक रही हो, वो प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। और राहुल गांधी हाल ही में पिछले दिनों में देखिए जब जब भी चुनाव पास आते हैं जी, तो जो विपक्ष में पार्टी होती है वो प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी अब एक बार फिर आपको सीन में नजर आए, जब अग्नि परीक्षा वाला मुद्दा था तब भी वो सीन में थे, और उसके बाद कांग्रेस की दरअसल ये आदत है कि वो 10 दिन प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, फिर 10 दिन गायब हो जाती है, फिर करती है। लेकिन संसद का सत्र एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, जहाँ आप हंगामा करके ये मैसेज दे सकते हैं कि हम जनता के साथ हैं और हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हैं। लेकिन इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या सरकार हो, वो सही और गलत को भूल जाती है कि संसद में हम आते हैं चर्चा और बहस करने के लिए जी। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर देखिए, पहले उन्होंने इस प्रदर्शन में वो शामिल हुए, धीरे धीरे वो लीड करते हुए नजर आए, और आप देखिएगा कि इस 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र में जिस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरीके से गत दिनों में ईडी से लेकर अग्निपथ से लेकर तमाम चीजें हुई हैं, या बढ़ती महंगाई या गैस के दाम बढ़ते हुए हैं, विपक्ष
एक चांस नहीं छोड़ेगी एक तो खुद को एकजुट करने का। आप देखिए इसमें आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने भी जो है नोटिस दिया है जीएसटी की वृद्धि को लेकर, इसमें हरियाणा के नेताओं ने भी कांग्रेस के नोटिस दिया है, नीट परीक्षा की घटना पर चर्चा की मांग करी है, कांग्रेस सांसद ने और अलग अलग मुद्दों पर, मानिक चंद टैगोर ने कुछ आवश्यक वस्तुओं पर 5% जीएसटी को लेकर दिया है, तो अब इसको घेरने की कोशिश है और इसी से राहुल गांधी को वो अपना लीडर और विपक्ष का नेता के रूप में एक बार फिर स्थापित करना चाहते हैं। तो ये विपक्ष के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर होता है, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही उठता है कि सरकार को भी इस पर रणनीति तय करनी होगी, क्योंकि 12 अगस्त तक ये सब संसद चलेगा, कई बिल जो है जनता के और प्रदेश बिल्कुल, और देखिए शीतकालीन सत्र भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ा था, लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे। और जानकारी यह है कि लोकसभा भी हंगामे के बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है अदिति, यानी कि कहा जा सकता है कि जिस रणनीति को लेकर विपक्ष आ जाया था, और आज देखिए तमाम जो तख्तियां हैं वो भी यही बयां कर रही है, जिसमें पूरे पूरे तरीके से आज का जो टॉपिक है विरोध का वो महंगाई और जीएसटी के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में अग्नि परीक्षा का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भी रणनीति बनाई होगी यकीनन। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये हंगामेदार रह सकता था, ये सुबह में जानकारी आपको दी थी और तस्वीरें जो सामने आई संसद परिसर में हंगामे की वो अब बढ़ गई है, और इसी के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। दूसरा ही दिन है आज कहने को मानसून सत्र का, लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा संसद परिसर में जारी है। जीएसटी का मुद्दा, महंगाई को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, महंगाई को लेकर के देखिए हमेशा आक्रामक मोड में नजर भी आते थे, लेकिन अब उसमें जीएसटी ऐड हुआ है, यानी कि जीएसटी जो हाल ही में 5% लागू हुआ है पैकेज्ड फूड आइटम्स पर, उसको लेकर भी ये प्रदर्शन, बकायदा हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी के माध्यम से राहुल गांधी के साथ ये सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी प्रदर्शन को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। देखिए संसद के मानसून सत्र का आज है दूसरा दिन, लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, तस्वीरें आपको दिखाई थी, लोकसभा स्पीकर के चेयर तक पहुंच गए थे तख्तियां लेकर के, यानी कि एक स्ट्रैटेजी के जरिए महंगाई और जीएसटी को लेकर के आज सदन में ये हंगामा विपक्षी सांसदों का, जीएसटी और महंगाई को लेकर ये हंगामा, हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। और गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें भी आपको दिखाई है, जब सांसदों ने गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया उसके बाद में हाथ में तख्तियां लेकर तख्तियों के जरिए ये प्रदर्शन और नारेबाजी अभी भी जारी है। संसद परिसर में आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का, आगामी 12 अगस्त तक ही मानसून सत्र चलने वाला है, और आपको याद होगा शीतकालीन सत्र जब था संसद का तभी भी काफी हंगामेदार रहा था, और लगातार अगर देखा जाए तो सर्वदलीय बैठक हालांकि पहले बुलाई गई थी और एक प्रोसीजर के तहत ये बैठक होती है, किसी भी सत्र को शुरू करने से पहले लोकसभा स्पीकर इस सर्वदलीय बैठक को बुलाते हैं, सभी दल वहां मौजूद होते हैं, बातें उनसे यही होती है कि सत्र मानसून सत्र में जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जितने भी बिल हैं वो पारित होने चाहिए सर्वसम्मति के साथ में, हंगामेदार ना रहे, जनता की बेहतरी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात हो पाए, प्रश्नकाल भी हो, शून्यकाल भी हो, लेकिन बातचीत भी हो पाए, सवाल जवाब हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा ना हो, और सिर्फ स्थगित अगर सदन होते रहेंगे तो कार्यवाही सदन में कैसे होगी। लेकिन फिलहाल जानकारी ये कि लोकसभा और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए हंगामे के चलते स्थगित किया गया।